आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही चटपटी चना दाल नमकीन की रेसिपी। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 150 ग्राम हमने चना दाल लिया हुआ है। चने दाल से नमकीन बनाने के लिए बड़े वाले चने की दाल का ही इस्तेमाल करें, उसकी नमकीन ज्यादा बेटर बनेंगी। तो दाल को एक बड़े से बाउल में ट्रांसफर कर देंगे और इसमें पानी डालकर सोक करके इसको रख देंगे। पानी हमने 3 ग्लास ऐड किया है, साथ ही इसमें ऐड कर देंगे बेकिंग पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये चना दाल फुलाने के लिए नहीं है, इससे नमकीन बहुत मुलायम बनेगी। तो चने दाल को 5 से 6 घंटे के लिए सोक करके रख देंगे। तो 6 घंटे बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ, ये देखिए ये अच्छे से फूल गई है। तो इसका पानी हम छान करके निकाल देंगे और चने दाल को 3 से 4 बार हम पानी डाल करके अच्छे से इसको धुल लेंगे, जिससे इसका सारा स्टार्च निकल जाए। ये प्रोसेस करना बहुत जरूरी है चना दाल नमकीन बनाने में। तो 4 बार हमने इसको धुल लिया है और इसका पानी बिल्कुल साफ है। तो दाल को एक बड़ी सी थाली में डाल देंगे, 1 पिंच येलो फूड कलर मिक्स कर देंगे, जिससे नमकीन में से बहुत अच्छा कलर आए। दाल को 15 मिनट के लिए पंखे के नीचे रख देंगे, जिससे इसका सारा मॉइस्चर खत्म हो जाए। तो 15 मिनट बाद ये देखिए बिल्कुल इसका मॉइस्चर खत्म हो गया है। तो इसको फ्राई करेंगे। नमकीन फ्राई होने के लिए हमने कढ़ाई पर ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल में से अच्छी हीट आ रही है, तो अब नमकीन फ्राई करने के लिए डाल देंगे। तो आप इस तरह से कलछी में भी दाल के फ्राई कर सकते हैं, जिससे दाल निकालने में आसानी रहेगी और ये दाल बिखरेगी नहीं। एक बैच नमकीन फ्राई होने में 3 मिनट का समय लग जाता है। जब दाल फ्राई हो जाती है तो ये ऊपर तैरने लग जाती है, तभी हमें इसको निकाल लेना है। और फ्राई किए हुए चने दाल को हम टिश्यू पेपर में डाल देंगे और सेकंड बैच भी फ्राई कर लेंगे। तो आप इस तरह से डायरेक्ट ऑयल में डालकर भी फ्राई कर सकते हैं। नमकीन फ्राई करने में ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल हाई होना चाहिए, तभी नमकीन को फ्राई करना है। इस चीज का खास ध्यान देना है आपको, तभी नमकीन मुलायम बनेगी। इसी तरह से पूरी नमकीन फ्राई कर लेंगे। फ्राई किए हुए चना दाल को हम थाली में डाल देंगे और इसमें हम ऐड करेंगे कुछ मसाले। 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून जलजीरा का पाउडर। इन मसालों से बहुत चटपटा टेस्ट आएगा। तो सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करना है। तो तीखी चटपटी चना दाल नमकीन बिल्कुल रेडी है। तो हम इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो तैयार है मार्केट स्टाइल चना दाल नमकीन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मैं नई वीडियो